स्वागत है आपका नैनीताल टूर में। इस टूर में हम वादियों के आपको व्यूज दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हम टॉप हिल नैनीताल से भी 10 किलोमीटर ऊपर का व्यू है, जहाँ पर फॉग डल रही है और क्लियर। यहाँ पे कुछ ही देर में बारिश आ जाती है, कुछ देर में फॉग, कुछ देर में धूप। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। हम नैनीताल से 10 किलोमीटर ऊपर के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से हिमालय ये दिखाई देता है। ये बहुत अच्छा वातावरण है। 15 अगस्त की शूटिंग है ये नैनीताल की। खूब हरियाली है सावन के बाद, क्लियर एटमॉस्फेयर है, अच्छा वातावरण था। और देखिए, इसको कह सकते हैं धरती का स्वर्ग, पैराडाइज। क्लियर पहाड़ियाँ हैं नैनीताल में, बिल्कुल क्लियर व्यू है, बादलों को टच करती छूती। ये देखिए, कुछ ही देर में यहाँ फॉग हो जाता है, बिल्कुल एकदम से घिर जाता है फॉग से वातावरण कुछ ही देर में भी। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है। अभी वातावरण साफ हो गया, बिल्कुल क्लियर वातावरण के साथ, बादलों से अभी घिरे हुए हैं। काफी हाइट पर बादल लगभग हमारे सिमिलर लेवल पर देख सकते हैं। काफी खूबसूरत पहाड़ियाँ बादलों से घिरी हुई, हिल स्टेशन पे ये एक डायग्राम लगा हुआ जिसकी पिक हमने ली। यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ का म्यूजियम टाइप था इस पहाड़ी पे। वहाँ से हम ये शूट ले रहे हैं नैनीताल से आते हुए। ये मैग्नेटिक हिल है, ये मैं आर्मी के ऑडियो में है। और यहाँ पर अगर कोई चीज़ इस मैग्नेटिक हिल में जाती है तो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है। इसके बाद फिर हम नीचे की तरफ चल पड़े। ये हम आ गए नैनीताल, नैनीताल की झील में बोटिंग करते हुए। शाम के समय काफ़ी अच्छा और शांत वातावरण इस बोटिंग के दौरान। नैनीताल का सबसे बड़ा ये ताल है और सुंदर ताल है। हल्द्वानी में सबसे जो देखने वाली चीज़ है वो नैनीताल है और सबसे बड़ा ताल है ये। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, शाम के समय बोटिंग कर रहे हैं काफी अच्छे वातावरण में। और बोटिंग वाले भैया हमें यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा ताल है और यहाँ कभी भी पानी कम नहीं होता, पानी इतना ही रहता है। और ये काफी हाइट पर बना हुआ है, हल्द्वानी से करीबन ये 25 से 30 किलोमीटर पहाड़ी ट्रैवल करने के बाद आता है नैनीताल। काफी अच्छा वातावरण। और ये देखिए, हम 15 अगस्त पे थे इसलिए इंडिया के फ्लैग लगे हुए हैं बोटिंग पे। काफी अच्छे एटमोसफेयर के साथ पहाड़ों में, तालों में ताल नैनीताल। अगर आप यहाँ बोटिंग कर रहे हो, बहुत ही शांत वातावरण और बिल्कुल क्लीन एटमोसफेयर। थोड़ा नैनीताल में ट्रैफिक और रश था क्योंकि हम हॉलीडेज पे गए थे इस वजह से। अदरवाइज यहाँ बहुत ही शांत और क्लीन एटमोसफेयर है, शांत वातावरण के साथ बिल्कुल क्लीन एटमोसफेयर। ये हम आगे बढ़ चुके हैं नैनीताल से।